आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। गौठानों में जन भागीदारी और गौठान प्रबंधन तथा संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन गायत्री मंदिर के परिसर ग्राम खमरिया में आयोजित किया गया। शुरुआत में गांधी जी की प्रतिमा के सामने अगरबत्ती पुष्प चढ़ाकर उनका स्मरण किया गया। उसके बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल स्वयं एक सक्रिय किसान रहे हैं, जिन्होंने बचपन से केवल खेती बाड़ी की बल्कि ग्रामीण जीवन के रेशे से वाकिफ है, जिनके नेतृत्व में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी परियोजना की संकल्पना की गई। इसलिए उनके संदेश को बताते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, जिसमें खमरिया क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले गौठान ग्राम लूतरा मढ़ई सौंठी कुली और खमरिया के महिला समूहों ग्राम गौठान समिति के सदस्यों और ग्रामीणों को जन भागीदारी के साथ गौठानों से जोड़कर रोजगार मूलक गतिविधियों के संचालन तथा आजीविका तैयार करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण अधिकारी मुस्कान वस्त्रकार ने सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के पुनर्जीवित करने और नवाचार के बारे में बताया। मास्टर ट्रेनर मंजिता वस्त्रकार ने सुपोषण पशुपालन जैविक खाद और जल संसाधन संचयन से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की महत्वपूर्ण जानकारी दी। नोडल अधिकारी डीपी सूर्यवंशी ने वर्मी कंपोस्ट बनाने उसके उपयोग और फायदे के साथ कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। पंचायत सचिव विश्वेश्वर श्रीवास के द्वारा गौठान से संबंधित समस्याओं के निराकरण के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण शिविर में 5 ग्राम गौठानों के संचालक मंडल के पदाधिकारी स्व सहायता समूह के सदस्य पदाधिकारी और गौठान ग्राम के सरपंच सचिव रोजगार सहायक कृषक मित्र फसल बीमा कार्यकर्ता अक्षर संस्थान के प्रशिक्षण अधिकारी और नोडल अधिकारी के साथ ग्रामीण शामिल रहे। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।